हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यन आईटीआई ट्रेड स्पेशल पे। और जो है आप सभी को फिर आज जो है इस वीडियो के माध्यम से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है आज फिर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन को देखते हैं। आज हम जो है सरफेस प्लेट के बारे में पढ़ेंगे और जो है हम पैरेलल ब्लॉक के बारे में नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, कल हम एंगल प्लेट और जो है मार्किंग टेबल पे जो है हम पढ़े थे मार्किंग टेबल और एंगल प्लेट को। ठीक है, एंगल प्लेट का काम जो है मार्किंग करते समय जाप को सपोर्ट देने के लिए करते हैं हम, और मार्किंग जो टेबल होता है उस पे हम मार्किंग करने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं, टाइम ना लेते हुए आइए देखिए आप सभी। तो सरफेस प्लेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए सरफेस प्लेट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके परीक्षा में उस पे हम चर्चा करते हैं। तो सरफेस प्लेट से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है जाप की सरफेस को चेक करने के लिए हम किसके प्रयोग करेंगे या किसके माध्यम से हम करेंगे। तो सरफेस प्लेट के माध्यम से हम जो है जाप की सरफेस को चेक करते हैं। ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, सरफेस प्लेट लगभग सभी वर्कशॉप में लगभग उपलब्ध होते हैं आपके। ठीक है, सभी वर्कशॉप में जो है सरफेस प्लेट पाया जाता है। आवश्यकता के अनुसार जो है सरफेस प्लेट अलग अलग टाइप के होते भी हैं। तो सरफेस प्लेट का जो ग्रेड होता है वो पेपर परीक्षा में पूछेगा क्वेश्चन कि सरफेस प्लेट का जो ग्रेड किस ग्रेड में पाई जाती है। तो एक दो और तीन ग्रेडों में जो हमारी सरफेस प्लेट पाई जाती है। ठीक है, तथा जो वन ग्रेड होता है वो अधिकतर जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, सरफेस प्लेट का जो वन ग्रेड होता है ये हमारी सरफेस प्लेट है, आप सभी देख सकते हैं। तो सरफेस प्लेट का जो वन ग्रेड होता है वो अधिक प्रयोग करते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट। छोटे छोटे जावों पर मार्किंग करने के लिए जो है हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे जो है जावों को मार्किंग करने के लिए, तो चार ऑप्शन दे देगा आपको क्वेश्चन अगर बनेगा तो। पूछ लेगा सरफेस प्लेट का जो है बड़े जावों के लिए हम मार्किंग करने के लिए यूज करते हैं या मीडियम या भारी जाव के लिए। तो आपको अगर पता रहेगा तो आप जो है ऑप्शन दिया रहेगा छोटे छोटे जाबों की मार्किंग करने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ठीक है, तो जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है वो जो है क्या होती है, एक पत्थर की जो है ढाल करके बनाई जाती है ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ठीक है, इस पर जो है जंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट होती है उस पर जंग या रस्ट नहीं लगता है और इस पे ऊष्मा और ताप का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, स्क्रैच पड़ने पर भी इसकी सरफेस प्लेट की शुद्धता बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर स्क्रैच हो गया या कुछ और भी, जैसे कहीं टूट गया, मतलब कि अगर कहीं खुरदरापन हो गया तो उससे जो है इसकी शुद्धता नहीं जाती है। ठीक है, टूटने से नहीं, खुरदरा पर होने से जो है इसकी शुद्धता नहीं जाती है। टूटने से तो एक खराबी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेटें होती हैं वो लंबाई और चौड़ाई और ग्रेड के अनुसार जो है इसको वर्गीकरण निर्दिष्ट किया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कास्ट आयरन की जो सरफेस प्लेट होती है उसको किस अनुसार जो है हम वर्गीकरण उसका करते हैं। तो ऑप्शन देगा लंबाई, चौड़ाई, ग्रेड या और भी ऑप्शन दे देगा। तो
तो आपको पता रहेगा, तो आप जो है बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, ग्लास सरफेस प्लेट, ठीक है। तो जो ग्लास सरफेस प्लेट होती है वो जो है कहां पे हम प्रयोग करते हैं, तो ग्लास सरफेस प्लेट जो होती है वो छोटे कार्यों के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं, किसका, ग्लास सरफेस प्लेट का, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, इस सरफेस प्लेट पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। जो ग्लास सरफेस प्लेट होती है उस पर हमारा जंग जो है नहीं लगता है, ठीक है ना। पूछ लेगा पेपर में वो कौन सा सरफेस प्लेट है जिस पर जो है जंग नहीं लगता है, तो ग्लास सरफेस प्लेट दे देगा और भी सरफेस प्लेट दे देगा तो आपको पता रहेगा, तो जो है आप ग्लास सरफेस प्लेट पे जो है टिक कर देंगे, ठीक है। तो ग्रेनाइट और ग्लास दोनों जो सरफेस प्लेट होती है इस पे दोनों पे जंग नहीं लगता है, ठीक है ना। तो जैसा आपको क्वेश्चन देगा, ऑप्शन देगा, उस अनुसार जो है आप क्वेश्चन को पेपर में करिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। तो जो टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट होती है वो हमारी कितनी टाइप की होती है, वो तीन टाइप की होती है, ठीक है। पहला हमारा जो होता है वो वर्कशॉप सरफेस प्लेट होती है, ठीक। वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो होती है वो जो है वर्कशॉप में इसका प्रयोग हम करते हैं, किस काम के लिए, साधारण काम के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का प्रयोग हम कहां करते हैं, साधारण कामों के लिए यूज करते हैं हम वर्कशॉप सरफेस प्लेट का, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना भाई, सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो क्वेश्चन है कि वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है वो कितनी होती है, तो 0.025 mm जो है वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता होती है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड नंबर पे इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, ठीक है। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट ये जो है इंस्पेक्शन कामों में हम यूज करते हैं, यह वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो ये टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट में जो होती है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट जो होती है वो जो है आप लोगों को बताएं हम कि साधारण कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, और ये वर्कशॉप सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है वो 0.025 mm होती है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट जो है वो जो है इंस्पेक्शन कामों के लिए हम यूज करते हैं, जो है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, ये जो होता है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, वो वर्कशॉप सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए हम इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता जो होती है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की वर्कशॉप सरफेस प्लेट की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है ना। और जो इसका मतलब कितना शुद्धता होती है इसकी, वो 0.0025 mm होती है इसकी इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर का। तो जो थर्ड नंबर का आपका है वो है आपका मास्टर सरफेस प्लेट, ठीक है। तो जो मास्टर सरफेस प्लेट होता है वो दोस्तों मास्टर सरफेस प्लेट जो होती है वो जो है हमारी इस सरफेस प्लेट की जो शुद्धता इंस्पेक्शन से अधिक होती है, मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट से अधिक होती है, ठीक है ना। मास्टर सरफेस प्लेट की जो शुद्धता होती है वो इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट से अधिक होती है, और इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए हम मास्टर सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। इसकी जो शुद्धता होती है मास्टर सरफेस प्लेट की
वो 0.00025 mm होती है। ठीक, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन आपके सरफेस प्लेट से पेपरों में बनते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से बताने की कोशिश किया इस वीडियो के माध्यम से। अगर और भी कोई क्वेश्चन रहता है या कोई बचा क्वेश्चन हो तो आप सभी जो है बता सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं पैरेलल ब्लॉक के बारे में। पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, इस पे जो है जितने क्वेश्चन बनते हैं पैरेलल ब्लॉक से उसको हम आपको बताते हैं। पैरेलल ब्लॉक यह जोड़े में पाया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहां करते हैं, मार्किंग और मशीनिंग और चेकिंग करने के लिए। मतलब जैसे हम वर्कशॉप में जॉब की कटिंग करने के बाद मार्किंग करेंगे अगर, तो हम जो है मार्किंग करने के लिए या मशीनिंग करने के बाद चेकिंग करने के लिए वर्कपीस को समांतर प्लेन में आश्रय देने के लिए भी जो है हम पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। मतलब मार्किंग और मशीनिंग और चेकिंग करते समय वर्कपीस को समांतर प्लेन में आश्रय देने के लिए भी हम जो है किसका प्रयोग करेंगे, पैरेलल ब्लॉक का करते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पैरेलल ब्लॉक दो ग्रेडों में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा पैरेलल ब्लॉक कितने ग्रेड में पाया जाता है, तो दो ग्रेडों में पाया जाता है, ए ग्रेड व बी ग्रेड, ठीक है ना। ए ग्रेड और बी ग्रेड। पैरेलल ब्लॉक का यूज हम कहां करते हैं, मार्किंग और मशीनिंग और चेकिंग करते समय और वर्कपीस को समांतर प्लेन में आश्रय देने के लिए करते हैं। और पैरेलल ब्लॉक कितने ग्रेड में होते हैं, तो दो ग्रेड में होते हैं, ए ग्रेड और बी ग्रेड, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं ए ग्रेड का प्रयोग हम कहां करते हैं। ए ग्रेड का प्रयोग हम प्रिसीजन कार्यों में जो है हम ए ग्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और बी ग्रेड का प्रयोग कहां करते हैं, प्रिसीजन कार्यों में ए ग्रेड का प्रयोग करते हैं, और बी ग्रेड का प्रयोग हम मशीन शॉप में साधारण कार्यों में जो है हम बी ग्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बी ग्रेड का प्रयोग कहां करते हैं, मशीन शॉप में साधारण कार्यों में जो है हम बी ग्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक, ठीक है। टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, और दो टाइप के होते हैं हमारे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक कितने टाइप के होते हैं, वो हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पैरेलल ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा जो होता है वो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक होता है, ठीक है। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक जो होता है वो मशीन शॉप में साधारण कार्यों में हम जो है यूज करते हैं सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का, ठीक है ना। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का प्रयोग हम कहां करते हैं, मशीन शॉप में जो है हम सॉलिड पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। सेकेंड हमारा होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो आवश्यकता के अनुसार जैसे कहीं जॉब को एडजस्ट या एडजस्टिंग करना हो वहां हम एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे देख सकते हैं आप सभी, ये पैरेलल ब्लॉक का हमने फिगर बना दिया है, ठीक है। और आपको ये देखिए किस तरह हम इसको प्रयोग करते हैं, किस तरह हम इसको प्रयोग करेंगे, ठीक। तो ये पैरेलल ब्लॉक था और आपका सरफेस प्लेट था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन जो है इन सब टूल से बनते हैं, पार्ट से, ठीक है, इन सभी इंस्ट्रूमेंट से, वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की भरपूर कोशिश की। यदि अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आप सभी से एक नए टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।